नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर से, सब्सक्राइबर से, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज आपको जिस चीज की मैं जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, ये किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। ये चीज फूटी से फूटी किस्मत को भी चमका सकती है। ये चीज कहते हैं, ये मणि पहले कुबेर के पास था। कुबेर जो धन के देव हैं, कुबेर जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति की सात पीढ़ी बैठे खाती है। उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना धन घर में आना शुरू हो जाता है। कुबेर के पास जो धन था, उसकी वजह ही ये मणि थी, ये पत्थर था, जो रावण ने कुबेर के पास से छीन लिया था। ये पत्थर रावण ने कुबेर के पास से छीना था। आज इसी के उपरांत बाजार में अवेलेबल है। आपने खुद ने देखा होगा दोस्तों, कई लोगों के पूरे हाथ, लेफ्ट राइट, जहाँ जाते स्टोन्स, तरह तरह के स्टोन्स पहने हुए होते हैं। कोई पंच धातु में है, कोई अष्ट धातु में है, कोई सिल्वर में है, कोई गोल्ड में है, है? आप उनकी लाइफ पे देखना। मैंने कितने ऐसे लोग देखे, कितने ऐसे ही लोग देखे जो जिस जगह पर आज बैठे हुए हैं, जो सक्सेस आज उनको मिल रही है, उनके अंदर उस सक्सेस से जुड़ी हुई वो क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी वो उस सक्सेस को अर्जित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अमुक अमुक तरह के स्टोन्स हैं, जो स्टोन्स उनकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते रहते हैं, जो स्टोन्स उन चीज़ों को खींच करके उन तक लाते रहते हैं जिन चीज़ों की इंसान को जरूरत होती है। मैंने देखा कई लोग जो बिल्कुल उनके अंदर बाकी की कोई क्वालिटी नहीं है, जैसे वो चरित्रहीन है, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टोन्स धारण करने की वजह से उनके पास आज वो फेमस है, आज उनका नाम है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसे ही, मतलब जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं दूंगी, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास जिनका कॉन्टेक्ट होने के बाद मुझे पता चला कि सच में जो स्टोन्स है, ये इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में नेम है, फेम है। तो ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, आपको कहीं से उठा करके कहीं रखने की इनमें ताकत होती है। ये जो स्टोन है, ये है दोस्तों चंद्रकांत मणि। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी मच्छी मणि का, काफी लोगों ने उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत। और इसको लेते के साथ ही कई लोगों को तो जबरदस्त फायदा हुआ है। ऐसे ही ये है चंद्रकांत मणि, जो कुबेर की अमानत है, जो कुबेर का ही स्वरूप है, जो फूटी से फूटी किस्मत को भी चमकाने की जिसके अंदर क्वालिटी है, ये वो मणि है। इसको आप कोई भी अच्छा दिन हो, अच्छे नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। इसको आपने धारण किया, मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है जबरदस्त मजबूत बनेगी। पहले तो कई लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बेचैन रहते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका प्रोग्रेस रुकने लग जाता है। जो काम आप कर रहे हैं, उस काम में आपका जबरदस्त मन लगेगा, क्योंकि आपके मन को मजबूत बना देता है, चंद्र को मजबूत बनाता है। दूसरा, ये आपके शुक्र को मजबूत बनाता है। शुक्र आपके मजबूत बने, मतलब आपका सौंदर्य बढ़ेगा, आपके घर में धन का ढेर लगेगा, गाड़ी बंगला सब कुछ जो आप डिजर्व करते हैं, सब कुछ आपको ये चीज ला करके दे सकती है। प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस देने लग जाती है, आपके बिगड़े हुए रिलेशनों को सुधारने लग जाती है,
आपके घर से जो पैसों का व्यय हो रहा है, बिना वजह जो पैसे घर से जा रहे हैं, उन पैसों को जाने से रोकती है। पैसे आपके घर में रुकने लग जाते हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया हो जाता है। शनि आपको परेशान करते हैं तब आपका स्वास्थ्य खराब होता है, शत्रु आपको परेशान करते हैं जब राहु आपको परेशान करते हैं, ये राहु को भी शांत कर देती है। शनि से जुड़ी हुई तकलीफें, जैसे आपका शरीर जो बीमार रहता है, उससे भी आपको मुक्ति दिलाती है। आपको आपकी लाइफ में अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज देने लग जाती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ने लग जाते हैं। आप देखना, कुछ लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है कि वो कुछ करके दिखाए। कुछ लोगों के अंदर सिंगिंग का कौशल्य है, कुछ डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आगे नहीं बढ़ पाए। इस मणि को धारण करने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई बार जहां आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, आप क्वालिफाइड होते हुए भी आपको उस जगह पर नहीं बिठाएंगे, वो पोस्ट नहीं देंगे जो दूसरे आपसे कम क्वालिफाइड लोगों को दे देंगे। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, वो दुर्घटनाएं घटने से बच जाएंगी। आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं, वो चीज आपको मिलने लग जाती है। स्टोन्स दोस्तों, तमाम वो जो आपकी लाइफ में गड्ढे आ जाते हैं, जिसमें आप गिर पड़े हैं, या जिसमें आप गिर गिर करके उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते हैं, उन तमाम गड्ढों को प्लेन कर देता है ना। आपकी लाइफ में आप जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है, बराबर, आप उस गड्ढे में से आसानी से नहीं निकल पा रहे, इतना उसमें गंदगी भरी हुई है। लेकिन यदि आप कोई अच्छे कार में बैठे हैं और फिर उस गड्ढे को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस गड्ढे का जो गड्ढापन है, खालीपन है, वो भी आपको तकलीफ नहीं देता है। जो उसके अंदर की गंदगी है, वो भी आपको तकलीफ नहीं देती है। आप आराम से BMW में बैठे हैं और गड्ढा क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो स्टोन से ये BMW का काम करते हैं, आपको उठाते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ लाइफ में जो भी क्रैक्स आते हैं, उन क्रैक्स से आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप आराम से उसको क्रॉस कर जाते हैं। शत्रु तो सभी की लाइफ में होते हैं, तकलीफें सभी की लाइफ में होती हैं। शरीर है, बीमारी होगी, रिलेशन है, अच्छे होंगे, खराब होंगे, पैसे हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन हर कंडीशन में आपको जो स्टेबल बनाकर रखती है, वो ये ताकत है स्टोन्स की। तो ये जो चंद्रकांत मणि है दोस्तों, ये आप लेकर के आए बाजार से, इसको आप सिल्वर में धारण करें, गोल्ड में भी कर सकते हैं, इसको आप पहने। पहनने से पहले आप ओम शोम शोमाय नमः इस मंत्र की 11 माला का जाप कर दें। उसके बाद में आप इसको शिवलिंग के ऊपर रखें, इसके ऊपर गाय का दूध चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें, पुष्प वगैरह चढ़ा दें, और उसके बाद में इसको गंगा जल से धो करके आप अपनी रिंग फिंगर में धारण करें। ये स्टोन दोस्तों आपको कहीं से कहीं तक पहुंचाने की ताकत रखता है। गरीब से गरीब, जैसे मैंने बताया ना, गरीब से गरीब इंसान भी इसको पहनने के बाद अमीर हो सकता है। कई स्टोन्स आपके पास ऐसे आ जाते हैं जो आपको बर्बाद कर देते हैं। अभी शायद 3-4 दिन पहले ही मेरी बात हुई एक लेडीज से कि मेरे हस्बैंड को एक ऐसा स्टोन मिला था, येलो कलर का था और बड़ा स्टोन था। किसी लेडीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसने उस स्टोन को इनके हस्बैंड को दिया था। सोने में बिठाया हुआ था वो स्टोन जो उसने इनके पास गिरवे रखा था। उस अंगूठी को घर में लाने के बाद ये लोग बर्बाद होते ही चले गए। आज की तारीख में वो भाड़े के मकानों में रह रहे हैं। कंडीशंस इतनी खराब है कि बच्चे उनके घर की तरह तरह की मेहनत मजूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ना उनके पास समाज में कोई उनका प्लेस है, ना कोई स्टेटस है, कुछ भी नहीं।
वो लेडीज कहीं कहीं जा करके जैसे तैसे अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, लोगों के घरों में जा करके काम करती है, लेकिन फिर भी उसकी वो जगह नहीं बन पाती है जो पहले थी। सिर्फ उस एक स्टोन ने उसको बर्बाद कर दिया। तो स्टोन्स बहुत ताकत रखते हैं। जब उस स्टोन्स को हटाने के लिए कहा, 2 या 3 दिन के अंदर ही उसको कुछ अच्छे 2-3 समाचार उसके पास आ गए, जिससे ये पता चल रहा है कि वर्षों से जो स्टोन घर में रख करके बैठी थी, वो स्टोन ही उसको तकलीफ दे रहा था। तो स्टोन्स की ताकत बहुत पावरफुल होती है। ये मणि बहुत बढ़िया है, धारण करने के लायक है, इसे लेकर क्या है और पहने, पहन करके देखे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जय श्री कृष्ण।